गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग बाय देसी डैड। आज हम आए हैं एक्चुअली में ओपन होम्स की इंस्पेक्शन करने, नॉट इवन ओपन होम्स, हम लोग आए हैं बिल्डर्स के घर देखने के लिए, सो दैट कि पता चले कि यहाँ पे जब बिल्डर्स घर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कितने का पड़ता है। यहाँ पे लैंड सेल पे है, हम लोग मेलबर्न के ऑफिसर सबर्ब के अंदर है। ये है खडुंडा पार्क एस्टेट। इस एस्टेट के अंदर आई थिंक मोर देन 1000 घर, 1000 प्लॉट्स है, काफी सारे घर हैं जो यहाँ पे बन चुके हैं। ये डिस्प्ले विलेज है, तो अलग अलग बिल्डर्स अपने सारे के सारे बेस्ट होम डिस्प्लेस पे लगा के रखते हैं, जो उनके बेस्ट फीचर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड। आज हम देखते हैं, टाइम लिमिटेड है, लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ कपल मोर, बट एक के अंदर तो हम डेफिनेटली जा ही रहे हैं। पापा मेरे साथ आए हैं, मैंने कहा पापा को भी लेके चलते हैं क्योंकि हम भी नया घर देख रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या मार्केट में अवेलेबल है। तो रिसर्च चल रही है, रिसर्च के साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ऐड कर देते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो कम लेट्स गो। तो गाइज ये है घर, ये है इसका गैराज जो इन्होंने अभी ऑफिस बनाया हुआ है। दे विल कन्वर्ट इट बैक जब ये घर बिकने के स्टेज पे आएगा, पर ये तो अभी जस्ट सिर्फ और सिर्फ शो होम है, डिस्प्ले हाउस है। दिस इज हाउ द हाउस लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। ये रही एंट्रेंस घर की, लेट्स गो इनसाइड। नाइस, इन लोगों ने पूरा अच्छे से डिजाइन किया होता है ऑब्वियसली टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे एक्चुअली कीप देयर हाउसेस लाइक दिस एज वेल। सो लुक एट दिस, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। जैसे ही आप आते हो अंदर, ये पहला बेडरूम है, हैव अ लुक, दिस इज ब्यूटीफुल। ये इनका वार्डरोब है यहाँ पे। पापा से हेलो टू यूट्यूब। हाय, हाउ आर यू। ये वॉक इन वार्डरोब हो गया, प्रीटी स्पेशियस। स्टोरेज इनकी अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करी हुई, दे कुड हैव हैड एक्स्ट्राज एट द बॉटम और एक्स्ट्राज एट द टॉप हियर एज वेल, बट या दैट्स फाइन, कुछ तो घर वालों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। आई लाइक द मिरर, मिरर इज नाइस। ये है बाथरूम, वू लुक एट दैट, शावर pretty fancy, pretty huge. I think this is 1.2 by 1.2. So that's 1200 by 1200 millimeters. Not bad. This is a toilet separately in the bathroom. और यहाँ पे कल्चर है कि जो मेन ऑन स्वीट होता है उसके बाथरूम का डोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपका रूम है, आपने अपना रूम बंद किया हुआ होगा, व्हाई डू यू नीड अ डोर इन योर बाथरूम एज वेल। लुक एट आउटसाइड, यहाँ से आउटसाइड का पूरा व्यू है आपका। एंड देन लेट्स मूव फर्दर डाउन, ये आपका हॉलवे हो गया, एंड देन हॉलवे के बाद ये आपका एंटरटेनमेंट एरिया हो गया। दिस विल बी योर फर्स्ट लाउंज और लिविंग एरिया, लाइक अ स्मॉल लिविंग एरिया, टीवी रूम, मूवी थिएटर रूम और समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा बनाया हुआ इन्होंने ये, वेरी नाइस है ना पापा, सही लग रहा है यार। ये सामने ही इसके स्टोरेज स्पेसेस फॉर योर लिनन एंड स्टफ, लिनन स्टोरेज काफी ह्यूज है। इस तरफ आए तो ये आपका लॉन्ड्री एरिया हो गया, एज यू कैन सी दिस इज योर लॉन्ड्री एरिया। और इसके सामने आई थिंक दिस इज द एक्सेस टू गैराज जो ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने। लेट्स मूव फर्दर, ये है लाउंज, किचन एंड डाइनिंग। ये हो गया आपका लाउंज पूरा का पूरा, डाइनिंग एंड ओपन प्लान किचन। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल यार। मेरे को एक्चुअली में जो बेंच टॉप पसंद है ना, वो वाटरफॉल फीचर वाले पसंद है, बट ये दिस इज नॉट वाटरफॉल फीचर, बट दिस इज इन टू बैड ईदर। ये आपका सिंक वगैरह हो गए, वॉशिंग, डिश वॉशर, ये आपका अवन हो गया, अवन के साथ में फाइव स्टोव गैस हो गई, रेंज हुड, एंड दीज आर योर पैंट्रीज, पैंट्रीज स्टोरेज सामने है।
So this is your pantry, extra pantry space, walk-in pantry. यहाँ पे आप अपने सब कुछ रख सकते हो, दालें, सब्जियाँ, everything. You can just store extra stuff in here, अपनी cutlery वगैरह. There you go, very nice. ये आउटडोर है, अभी हम पहले अंदर से देख लेते हैं फिर आउटडोर चलते हैं. ये हो गया इनका थर्ड लिविंग एरिया. सामने इसके सामने ये हो गया आपका ऑफिस स्पेस. इन्होंने स्पेशल ऑफिस स्पेस बनाया हुआ है क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्क फ्रॉम होम एटलीस्ट पार्ट टाइम, जैसे मैं करता हूँ. एंड देन वाओ, अनदर बाथरूम टॉयलेट. जैसे ये देख सकते हो, ये जो दूसरे रूम का शावर है छोटा है. दिस इज 1x1, 900x900. दिस इज द बाथरूम, ब्यूटिफुल, वेरी नाइसली डन. ये दूसरा रूम हो गया, नाइस. वॉलपेपर देखो पापा इसका कितना प्यारा है यार, है ना? वॉलपेपर ब्यूटिफुल है, सिंपल सा है. हाँ, ये तो अच्छा आइडिया अपने घर के लिए भी, अपने घर के लिए भी अच्छा आइडिया है. मैंने आपको वार्डरोब स्पेस नहीं दिखाई अभी. ये देखो इनकी वार्डरोब स्पेसेस, लुक एट दैट. नॉट टू ह्यूज बट नॉट टू बैड ईदर. हाँ वो तो कह रहे, बट इन्होंने स्टोरेज अच्छी तरह नहीं वो करी हुई, स्टैक अप होना चाहिए था थोड़ा सा बीच में, तो अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है. वेयरएज इस सिनेरियो में नहीं है. बाहर का व्यू है गार्डन का यहाँ से, which is nice. की रूम बिल्कुल लिट रहेगा पूरे टाइम के ऊपर, एंड इट लुक रियली नाइस. एंड देन एक बेडरूम यहाँ पे है, which is a smaller bedroom. ये probably kids room, something like kids room, you know. Look at that, painting अच्छी है, cute. बेडरूम सारे डिफरेंट है. ये वाला 10x10 होगा, वो वाला भी, सामने वाला भी 10x10, बट वो जो है बड़ा है ना. ये ओ नाइस यार, ये वॉलपेपर देखो गाइस, ये देखो, ये जो है ना परफोरेटेड है. दिस इज नाइस. एंड देन इसकी वार्डरोब है यहाँ पे, ये री वार्डरोब. नॉट बैड यार, नॉट बैड, और अच्छा है. बट इन्होंने ये अपग्रेड भी करे हुए हैं एक्चुअली में पापा, इसमें इन्होंने यहाँ पे अपग्रेड भी करे हुए हैं. तो क्या होता है कि जैसे जो प्राइस, आई थिंक जो ये घर है, इट्स प्रॉबली अराउंड, दिखाओ इसमें दिया ना इसने, ये इन्होंने हमें अभी दिए. ये जो घर है ये है, ये वाला Piemont, 32.4, बिल्डिंग प्राइस 332,000. जैसे आप देख सकते हो 332,000. बट ये जो बिल्डिंग प्राइस है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का प्राइस है, साइट कॉस्ट का प्राइस नहीं है. लैंड जो खरीदोगे उस वो इंक्लूडेड नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे लैंड वगैरह, साइट कॉस्ट वगैरह, सब कुछ अपग्रेड वगैरह मिला के द हाउस इज प्रॉब्ली गोना कॉस्ट यू अराउंड 1.1-1.2 इन दैट रेंज. सामने मिरर लगाया हुआ है, ब्यूटिफुल सा. अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, लेट्स हैव अ लुक आउटसाइड. वाटर फीचर, ये उस तरफ वाला घर है जो अभी हम जाने वाले हैं, ये उनका वो है. तो जब ये घर बेचेंगे ये लोग, तो इसको फेंस आउट कर देंगे बीच में. जैसे आप देख रहे हो सामने फेंसेज हैं, ये दोनों फेंसेज एक्सटेंड हो जाएंगी, एंड वो उस तरफ चला, जो ये फीचर है ये इस तरफ चला जाएगा उस घर के अंदर, और ये जो पाथवे है, ये प्लांट्स हैं, ये इस तरफ आ जाएंगे. दिस इज द आउटडोर्स, कवर्ड है, अल्फ्रेस्को है. ये बारबेक्यू स्टेशन हो गया आपका. And then ये आपका छोटा सा ग्रीन एरिया हो गया, विच इज नाइस. देन आपकी साइड्स होगी, आपके साइड्स के अंदर हॉट वाटर वगैरह और एयर कंडीशनिंग की सारी चीजें लगी हुई हैं, एज़ यू कैन सी यहाँ पे. नाइस यार, घर तो अच्छा है यार पापा. ये कार्लाइल होम्स का है. अभी इनका वो सामने वाला, ये वाला जो है ये है
32.4 स्क्वायर्स, राइट? तो स्क्वायर मीटर इसमें हो गया अराउंड 325 स्क्वायर मीटर. हाँ, 325. वो वाला जो आप नेक्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, वो वाला होने वाला है 400 स्क्वायर मीटर. वो बड़ा है और वो डबल स्टोरी है. ये सिंगल स्टोरी है, वो डबल स्टोरी है. सो इट्स गोना बी अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव एज वेल. यप यप यप. सी, वो डबल स्टोरी का है पीछे. चलें इस बात पे देखते हैं फिर क्या चाहिए. एक्चुअली में मेरे को और आंसर को तो देख रहे हैं ना हम लोग, वो डबल स्टोरी सोच रहे हैं. हाँ चलो आगे से चलते हैं, देख के आते हैं. ये वाला तो हो गया गाइस. लेट मी नो हाउ यू गाइस फाइंड इट. मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बहुत मेहनत लगती है गाइस, छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ के आना पड़ता है आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए. आप इतना तो कर ही सकते हो ना. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू थिंक कि मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है, कॉमेंट भी बनता है ना. प्लीज़ मेक श्योर यू डू. ये है दूसरा घर जहाँ हम लोग जाने लगे हैं. ये इसका आउटडोर, लुक एट द फ्रंटेज. डबल स्टोरी है विद बालकनी. दिस इज द बिल्डर कार्लाइल. ये है एंट्रेंस. नाइस, अच्छी बना रखी यार, आई लाइक इट. सेम अगेन, अंदर घुसते ही राइट साइड पे रूम है इसके. दिस रूम इज बेसिकली ऑफिस रूम, तो आप अपना ऑफिस रूम बना सकते हो. मेरे को इसकी विंडोज बड़ी पसंद आई पापा, ये ब्लैक कलर की जो इन्होंने कर रखी है. और ये देखो ये ऑफिस कितना प्यारा सेटअप बना रखा है यार, सारा ब्लैक रखा है. ब्यूटीफुल, वही तो. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो ये है इसका हॉलवे, हॉलवे का फीचर. ये आ गया इसका लिविंग एरिया, फर्स्ट लिविंग एरिया. सामने एक हीटिंग लगी हुई है, एज यू कैन सी. सी, ब्यूटीफुल फायरप्लेस. क्या गर्मी आ रही है यार, मजा आ गया. पेंटिंग्स, यहां से हम लोग अब यहां पे देखते हैं. ये इसका लॉन्ड्री स्पेस आ गया. ये गैरेज हो गया, ये इसकी लिनन स्टोरेज हो गई. सेम एज द अदर वन. ये ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं. लुक दैट, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल है. अभी चलते हैं ऊपर. ये लिविंग रूम हो गया विद प्रोजेक्टर. सामने देखो पूरा सेटअप है. मूवी रूम हो गया आपका, चिल करो अपना आके आराम से. ये गेस्ट टॉयलेट हो गया आपका, वेरी नाइसली डन. ये आपकी किचन, डाइनिंग, और ये आपका मेन लिविंग एरिया हो गया विद इंडोर एंड आउटडोर फ्लो. बिकॉज जब ये सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे तो इंडोर आउटडोर बिल्कुल सेम हो जाएगा. एंड सेम ऑन दिस साइड इज वेल, जो रैन स्लाइडर्स हैं ये सारे के सारे खुल जाएंगे, इंडोर आउटडोर फ्लो बन जाएगा. पार्टी हो घर के ऊपर, इसको खोल दो. यू हैव पीपल आउटसाइड, यू हैव पीपल इनसाइड. चलो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको. लेट्स डू दैट. ऐसे तो ये खोल दिया आपने समर्स के अंदर. ये आपका बन जाएगा इंडोर आउटडोर फ्लो. तो बाहर बारबेक्यू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बैठे हुए हो, मजे चल रहे हैं, अंदर खाना बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बातें चलती रहेंगी. ये इनका आउटडोर हो गया जो हमने वहां से पार्शियली देखा था. ये इनका बैकयार्ड हो गया. हाँ, इट्स गुड इनफ. इससे ज्यादा की फिर मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आई रेकमेंड कि ये बहुत है, क्योंकि जो वर्किंग लोग होते हैं ना पापा, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना. प्लस ये है सारी की सारी टर्फ, तो ये असली ग्रास नहीं है, जो ये सारी की सारी, ये असली ग्रास नहीं है, तो इससे बहुत सही. नहीं नहीं नहीं, ये टर्फ है. तो ये क्या होता है कि बहुत सही रहती है. हम लोगों ने अपने न्यूजीलैंड वाले घर में भी यही लगवा रखी थी. अब अंदर चलते हैं दोबारा से.
ये रही किचन, सामने फ्रिज का एरिया देखो कितना बड़ा है, एंड देन लुक एट द डाइनिंग। मेरे को डाइनिंग पे दिल आ गया, ब्यूटीफुल बना रखी है। प्लस जो डाइनिंग का बैकग्राउंड है ना, लुक एट दिस गाइस, आप यहाँ बैठे हुए हो और पीछे ये व्यू है, हु वुडंट वांट दैट मैन, आई वुड लव टू। किचन देख लो यार, ओह माय गॉड, आंचल होती तो पागल ही हो जाती। नहीं नीचे बेडरूम नहीं, बेडरूम सारे ऊपर है। इसका यही तो फायदा है ना फिर, इन वाले जो डबल स्टोरी घर है ना, इनका यही फायदा है। ये आपकी वॉक इन पैंट्री हो गई, ह्यूज वॉक इन पैंट्री, लुक एट दैट। कॉस्को से सारा सामान लाके भर लो यहाँ पे। चलिए उत्ते, चलिए बाबे ओ, लेट्स हैव अ लुक अपस्टेयर्स मैन, लुक एट द पेंटिंग। पूरा घर जो है सेंट्रली हीटेड है गाइस, दैट्स अनदर बेस्ट पार्ट। ये ऊपर का लाउंज हो गया यार, मूवी रूम लगा लो, लिविंग एरिया लगा लो, ये ऊपर का हो गया अलग से, ऊपर आते ही सामने ये सामने ऑफिस स्पेस हो गया। यहाँ तो चार पांच लोग बैठ, चार लोग तो बैठ ही सकते हैं। चलते हैं आगे, ये है मास्टर बेडरूम, लुक एट दैट, अमेजिंगली डिजाइन। लुक एट द विंडोज यार, विंडोज देखो एक बारी, अमेजिंग। ये है इसका वॉक इन रोब, ये होता है वॉक इन रोब, बैठो अपना आराम से, बीच में लगा हुआ है मुड़ा बड़ा सा, यहाँ बैठो कपड़े कपड़े डाल के देखो भाई क्या चल रहा है। सामने बाथरूम, ह्यूज बाथरूम, ट्विन बेसिन, शावर देख लो, ह्यूज ह्यूज शावर, एंड देन टॉयलेट। मैं तो इसके अंदर रेन शावर लगाऊंगा अगर मैं लेता तो, ऊपर सीलिंग से शावर निकलता, आहा, मजा आ जाता, उसका तो अलग ही मजा है। चलते हैं आगे वाले बेडरूम में, ये वाली ना ब्यूटीफुल है यार। आई थिंक मुझे ये बेडरूम उस वाले से ज्यादा अच्छा लगा, इसका जो ऑन स्वीट है और इसका जो मास्टर बेडरूम है ना, ज्यादा बेटर है ना। ये इनकी लिनन स्टोरेज हो गई एक्स्ट्रा, लिविंग एरिया क्रॉस करके अब हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे और बेडरूम्स होंगे। इसमें क्या है, लेट्स हैव अ लुक, स्टोरेज अगेन, मोर स्टोरेज, ये देखो, ओके यहाँ पे एक बेडरूम है, एंड देन ये इनका रोब हो गया, not bad. दूसरा रूम हो गया, हाँ जी फोर बेडरूम, सामने इनका रोब है, इसके अंदर शीशा मिल जाता है मुझे हर थोड़ी देर के अंदर। सारा का सारा ब्लैक थीम लेके चला, हाँ ये वाला पूरा ब्लैक थीम के ऊपर है, वेरी नाइसली डन, वेरी वेल थॉट, एंड द डिजाइन इटसेल्फ इज अमेजिंग। हाँ वही तो, सब कुछ ही ब्यूटीफुल है, मेरे बहुत अच्छा है, सिंपल एंड बेस्ट। ये भी बहुत अच्छा है, प्यारा है, ये तो मार्बल है, दिस इज मार्बल। सामने टॉयलेट है, यहाँ पे है बाथरूम, सेकंड बाथरूम, तो इस घर के अंदर है फोर बेडरूम्स, तीन लाउंज,
2.5 bathrooms. Nice, yeah. And this is in the vicinity of $1.2-1.3 million range. Because it's upgraded, right? If it's non-upgraded, low with similar structure and stuff, it's probably going to cost you around $1 million, $1.1 million. चलो नीचे चले एजेंट से मिलते हैं देखते हैं एजेंट क्या कहता है ऑफिस स्पेस मेरे को बहुत अच्छा लगा ये है इस मॉडल का नाम ग्रेनाडा ग्रैंड 40 मतलब 40 स्क्वायर्स और ये है 12.5 × 29 meters दैट्स नॉट बैड चलो लेट्स मूव आउट यार ये मतलब ये ऑफिस हो गया एक तो पहले दिल आ गया फिर ऊपर जाके उन्होंने वो ऑफिस दिखा दिया वहां तो अलग ही दिल आ गया हाँ इन्होंने उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि बंदा कहीं पे भी हो किसी भी हिसाब से काम कर सकता है अपना आराम से घर पे काम करना है तो कंफर्टेबली कर सकता है ये भी बंदा कुछ भी कहीं पे क्योंकि आपका वर्किंग स्पेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा हो सूदिंग हो तो आप कामली काम कर सकते हो ये सारा का सारा सेंट्रल हीटिंग यहीं से एक बार प्रेस ऑफ बटन सेंट्रल हीटिंग डन बिल्कुल है मौसम इतना खास नहीं है बदल हो रहे हैं चलो सामने भी डिस्प्ले होम्स हैं उधर भी जाते हैं देखते हैं उधर क्या चल रहा है मे बी टाइम कम है थोड़ा सा लेकिन तो मैं कंफ्यूज हूँ मे बी नेक्स्ट वीकेंड आते हैं हम लोग वो सामने वाली तरफ करने के लिए क्योंकि ये वाले जो घर है ना ये वाले दोनों घर जो हमने देखे हैं ये वाले घर सबसे बेस्ट है आगे जो दो घर है वो एक्चुअली में है लगा लो लो स्टैंडर्ड घर ठीक है तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करते हैं आगे भी तो जाना है इसके बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रखी है हमने उसका एरिया भी कम है और वो जैसे इनके अंदर अपग्रेड्स वगैरह लगे हुए ना उनके अंदर अपग्रेड्स नहीं लगे हुए तो वो सिंपल है वो सिंपल घर है तो उनका कंपैरिजन भी करते हैं कि कैसे होते हैं नहीं अच्छा है वो भी बढ़िया है बहुत बढ़िया है बट आपने ये देखा है ना अब आप वो देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है तो या लेट्स गो इनसाइड एजेंट से बात करते हैं देखते क्या कहता है तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सामने लैंड सेल्स के ऑफिस यहाँ पे देखते हैं कि लैंड के कितने प्राइसेस चल रहे हैं लेट्स हैव अ लुक थ्रू कि कितने 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 प्लॉट्स पड़े हैं कितने बाय कितने के प्लॉट्स हैं क्या क्या प्राइस रेंज है साइट कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ती है और मेरी प्रेफरेंस है कि अपने को मिले कुछ फ्लैट लैंड मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ो मेरे को फ्लैट लैंड चाहिए क्योंकि फ्लैट लैंड की जो साइट सेल होती है सॉरी साइट कॉस्ट होती है वो बहुत बढ़िया रहती है जहाँ दूसरी वालों के 50 लगने होते हैं फ्लैट लैंड के ऊपर 25-30 में ही काम हो जाता है ये आ गया लैंड सेल्स का ऑफिस लैंड सेल्स वेलकम टू होम स्वीट होम कडूना पार्क लेट्स गो हैव अ लुक So if you were to build with home buyers, then you'd get 20k off the land, 20k off the build as well. What do you mean by home buyers? Home buyer centre is a builder over there. Oh, okay, so, okay. No, that's fine. So you mean they will give 40,000 discount? Yeah, correct. For buying land via them and buying and building via them as well. Oh, okay. Preferably a single, but my wife is on a double side, to be honest. Yeah. So we are exploring both the options at this stage. So these are the prices here for so they're the singles, and this is the double here. Right. So this is inclusive of the land. Yeah, correct. So a non-upgraded version of the house. Okay. Sure this is all included now. So this is single. And this is double. Yeah. The price includes land price as well. Yeah. This is the availability here. So this is the availability here. These are for lot 1429. So a bit along the back. That's this one here. That's 1429. Okay. तो गाइस हमने गाड़ी निकाल ली है. अब हम लोग यहाँ की डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे बने कैसे हुए हैं घर कम लेट्स गो
डबल स्टोरी बड़ी तो बेकार लग रहा है, फसाड़ी का कलर भी अच्छा नहीं करा रखा है इन लोगों ने। ये घर देखो बिल्कुल, ये घर देखा है ना, बिल्कुल पार्क फ्रंटेज सामने, बिल्कुल पार्क तो नहीं है ये, फार्म्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी घर ही बन जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर। जब इतने कट गए तो मैं तो सामने बने यार, वहाँ भी मिले। एग्जैक्टली यहाँ से हम आए थे, यहाँ से चले जाते हैं। ये कोने वाला घर देखो कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल, नाइस एंट्रेंस। हाँ पूरा बसा हुआ, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी टाइम से बिक रहा है ना। अब ये पूरी डेवलपमेंट का जो टोटल सेलिंग साइकिल होगी वो अराउंड 10 से 12 साल होगी जो इनकी सारी की सारी, क्योंकि ये एक बारी में नहीं कटेगा ना, यहाँ पे इन्होंने 4-5 हज़ार प्लॉट लाने हैं। अब ये एक बारी में नहीं काटेंगे, ये लोग काटेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि काउंसिल रिक्वायरमेंट, काउंसिल अप्रूवल प्लस लैंडिंग, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। दिस इज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट ईजी टू गेट। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक्स इनको लैंडिंग देते हैं पोर्शन के अंदर, 50 मकान के, कि पहले तुम भाई 400 लॉट निकालो, उनमें से 250 बेचो या 200 बेचो, उसके बाद हमारे पास 50% भाई डेवलपमेंट सेल होनी चाहिए, उसके बाद तुम हमारे पास वापस आओ, फिर हम तुम्हें अगले प्रोजेक्ट की लैंडिंग करके देंगे, फिर तुम काउंसिल के पास जाओ, फिर अप्लाई करो, बाय द टाइम वो 250 बिकेंगे तब तक इनका काउंसिल का अप्रूवल आ जाएगा अगले वालों का। ये नए घर बन रहे हैं, देखो गाइस यहाँ पे ऐसे घर बनते हैं, ये बन रहा घर, वो बन रहा घर, ये देखो पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पूरा वुडन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको वो पीओपी वाली सब कुछ बाद में, पहले तो ये मेन चीज है ना। पहले ये मेन चीज है, ये इन्होंने बना लेना है, बेस बना दिया नीचे, कंक्रीट बेस हो गया पहले, सबसे पहले ये खाली प्लॉट पड़ा है, सामने पूरी डेवलपमेंट चल रही है। इधर देखो यहाँ पे होता है, जैसे ये सामने वाला जो घर है इसका बेस इन्होंने तैयार कर दिया है जो कंक्रीट का है, उसमें मेरे को लगता है सारी सीवर सीवर जो भी है सब कुछ ए टू जेड, वो पाइप्स वगैरह देख रहे हो पीछे, वो सब कुछ इसके अंदर। अब इसके ऊपर पहले एक्सकवेशन का काम होता है, हाँ वो तो नहीं, ठीक है, जो लैंड का होता है वो सारा का सारा पाइपिंग वगैरह होती है पूरी की पूरी, सीवेज वगैरह होती है पूरी की पूरी, प्लम्बिंग का जो इनलेट होता है वो सारा आ जाता है। मेंस वाटर कनेक्शन यहाँ पे रोड के नीचे से होगा, तो ये लोग फुटपाथ के नीचे से मेंस वाटर कनेक्शन इन्होंने यहाँ पे दे रखा होगा, सिर्फ एक कनेक्शन। जैसे ये सामने ये पाइप देख रहे हो, ये जो आ रहा है ऐसे एक पाइप होगा जो सिर्फ मेंस वाटर कनेक्टर होगा, वो वाले से फिर ये पूरे घर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सामने देखो डेवलपमेंट चल रही है झकाझक, बढ़िया यार, अच्छा है। और यहाँ पे है दूसरी डिस्प्ले विलेज, अच्छा है यार, मेरे को अच्छा लगा ये दूसरी डिस्प्ले विलेज। Let's have a look through। बारिश हो गई यार, क्या यार, ये सारे के सारे डिफरेंट 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 बिल्डर्स हैं। आज तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब पापा और मेरे को लगता है कि आना पड़ेगा दोबारा। आंचल के पास भी इतना टाइम नहीं, तो अभी मैं सारी रिसर्च कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब ये सब कुछ एक शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा मैं, देन आई एम गोना ब्रिंग आंचल ओवर एंड देन वी कैन फाइनलाइज कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखा जाए।